देख सकते हैं भाई लोग, आज हमारे पास है रियलमी का C11 जो ये फ़ोन है, हमारे पास FRP के लिए आया है। ठीक है, तो इसका FRP जो है लेटेस्ट एकदम अपडेट है, इसको आप लोग हाथ से बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते मतलब हाथ से होगा ही नहीं, क्योंकि ये एकदम फुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे बाईपास करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्विच ऑफ कर लेना होगा। फ़ोन से टोटल कुछ काम नहीं होगा, ठीक है, सब जो है PC से करना पड़ेगा। PC स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने जो है रियलमी का C11 फाइल खोला हुआ है। इसके अंदर जो है टूल भी है और इसका जो अनलॉक फाइल है वो भी है। ठीक है, तो इसका रिसर्च टूल जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं, और इधर से हम लोग जो है ये जो फाइल है इसके अंदर ही ये फाइल आपको मिल जाएगा जो इसका पैक फाइल है। इसको हम लोग लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, इधर आप लोगों को स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, करने के बाद वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके आप लोगों को जो है केबल इंसर्ट कर देना है। तो देख सकते हैं ये डाउनलोड ले रहा है, आपको बटन छोड़ देना है। तो ये 10 से 12 सेकंड या फिर 20 सेकंड का टाइम लेगा, ये फुल फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, इसका जो FRP और लॉक है सब हट जाए। तो देख सकते हैं इधर पास हो चुका है। अभी आप लोग इसका केबल निकालना है और इसको पावर ऑन करना है। और इस फोन में थोड़ा चार्ज कम है दोस्तों, तो इसमें हम चार्जर लगा देते हैं, थोड़ा चार्ज भी हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, कस्टमर जब मेरे पास ये फ़ोन लाया एकदम ही कम चार्ज लेके आया था। तो देखते हैं हमने जो फ्लैश किया है वो सक्सेस होता है कि नहीं। ये 100% वर्किंग फाइल है, हालांकि मैं इसको बहुत बार किया भी हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेटअप करते हैं। स्किप, देख सकते हैं इधर सेटअप ऑफलाइन का जो ऑप्शन है ये आ चुका है, मतलब हमारा जो है FRP बाईपास हो चुका है। तो देख सकते हैं कोई भी गूगल का लोडिंग नहीं आया, नेटवर्क कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आया। और देख सकते पासवर्ड डालने का, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है फ़ोन फुल अनलॉक हो चुका है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फाइल चाहिए आप लोगों को तो उसको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू।